तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है आपको, लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज़ दिए गए हैं। लाइन के डायरेक्शन रेशियो देने का मतलब क्या हुआ, आपके पास एल एम और सॉरी ए बी और सी है ना। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन, मतलब एल एम और एन रिलेशन क्या होता है। तो चूंकि हमें डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, ए -18 है, बी 12 है और सी क्या है आपका -4 है, और एल एम एन में जो रिलेशन होता है, एल इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो वैल्यू प्लेस कर दिया जाए तो आपका डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका -18, प्लस माइनस आएगा, इसमें हम कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस आप यहाँ करोगे स्क्वायर रूट ऑफ ए, मतलब -18 का स्क्वायर, और -18 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 324, और बी क्या आपका हो गया 12, 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो प्लस माइनस ये आ जाएगा -18 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 484, एंड जो 484 होता है ये 20, इसका स्क्वायर रूट 22 होता है, तो -18 अपॉन 22 कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी माइनस प्लस, ठीक है, जो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन कन्वर्ट कर देगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 9/11। सिमिलरली आप इसे कैलकुलेट करोगे, एम को कैलकुलेट करोगे तो नीचे तो वही आ रहे हैं, आने वाला है 484, और ऊपर आपका 12 है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 12 अपॉन 22, दैट मीन्स प्लस माइनस 6 अपॉन 11, और जो तीसरा हो जाएगा आपका दैट इज प्लस माइनस सी, मतलब -4 अपॉन 22, दैट कम्स आउट टू बी माइनस प्लस 2 अपॉन 11। तो आपके पास दो सेट आंसर हो गए है ना, और दोनों इक्वेलेंट हैं। एक सेट तो पहला पहला साइन ले लीजिए, मतलब -9/11 कॉमा +6/11 कॉमा -2/11, दैट इज़ वन सेट ऑफ द आंसर। और हम लोग अगला सेट का आंसर दे सकते हैं, दूसरी साइन ले लें, 9/11 का पॉजिटिव साइन, दूसरे वाले का नेगेटिव साइन, -6/11, और तीसरा हो गया आपका 2/11। तो ये दो सेट आंसर हैं, ठीक है, जिनमें से जो भी आपको आंसर आप रिपोर्ट करिए, बोथ आंसर्स आर करेक्ट।